हेलो एवरीवन, दिस इज निधि रामकुचे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेबीज़ क्लॉथिंग हॉल, या बेबीज़ एसेंशियल आप इसे कह सकते हैं। तो एज आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें शॉपिंग क्या क्या शॉपिंग की है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़ोन से मंगवाई हैं, कुछ चीज़ें मैंने लोकल स्टोर से ली हैं, और ये किसी भी प्रकार का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से खुद ख़रीदी हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज़ जो न्यू मम्मीज़ होती हैं वो बहुत कंफ्यूज होती हैं कि उन्हें क्या लेना है, किस तरह से लेना है, कहाँ से लेना है। तो हो सकता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक जो कॉम्बो मैंने अमेज़ोन से लिया था, सबसे पहले मैं आपको ये कॉम्बो शेयर करती हूँ। ये कॉम्बो का बाइंग लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल्सो मैं इसकी जो पिक्चर है वो स्क्रीन पर इंसर्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ पर से चेक कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेट हैं जो इसमें मुझे रिसीव हुए हैं, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो सेट है, मुझे इस तरह का सेट रिसीव हुआ है। ये जो है फुल स्लीव्स के बेबी के झबले हैं। इसमें मुझे 6 पीस ऑफ क्लॉथिंग इसमें ये रिसीव हुए हैं, इस प्रकार से हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन मटेरियल का है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। इसके साथ ही उसकी मैचिंग नैपीज मुझे मिली है। इस तरह से ये मुझे 6 पीस मिले हैं। तो ये जो कॉम्बो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे 1999 का अमेज़ोन पे मिला था। इस पर मुझे कोई भी शिपिंग नहीं लगी थी, बट मेरे साथ मैंने बहुत सारी जो चीज़ें थी वो एक साथ एक ही पैकेज में बुलवाई थी, बट मुझे कुछ चीज़ें अलग अलग रिसीव हुई, जिसके कारण मुझे हर पैकेज पे शिपिंग फिर उसका चार्ज देना पड़ा। तो ये मुझे कुछ डाउट है कि इस तरह से क्यों हुआ, बट बाकी मुझे ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से इसमें 6 पीसेस क्लॉथिंग के हैं, और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे रिसीव हुई थी, तो मैंने इनको अच्छे से धूप दिखा लिया, बट धूप में रख दिया था, और बट मुझे अभी इनको वॉश करना है, बिकॉज़ आई हैव टू पैक फॉर माय हॉस्पिटल बैग आल्सो। तो अगर आप वो वाला वीडियो भी देखना चाहेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपने हॉस्पिटल बैग का जब पैकिंग करूँगी तो उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मुझे ये 6 पीस ऑफ क्लॉथिंग रिसीव हुई है। इसके साथ ही मुझे इसी के सेट के साथ मैचिंग मुझे इसकी नैपीज रिसीव हुई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से मुझे जो है इसकी सभी की जो है मैचिंग नैपीज मुझे रिसीव हुई है। तो इस तरह से है ये, और ये नैपीज़ बहुत अच्छी हैं, बिकॉज़ इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, और ये इस तरह से यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी है, जैसे कि बेबी का जो बेबी के प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे इस तरह से। और बिकॉज़ जो वो वी शेप की होती है उसमें बेबी जो है पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता है, तो इसलिए मुझे ये सेट अच्छा लगा, तो मैंने ये बुलवाया था। तो इसमें मुझे फुल स्लीव्स के जो हैं वो 6 पीसेस रिसीव हुए हैं, 6 नैपीज और 6 जैसे कि ये मैंने दिखाया है झबला आप कह सकते हैं। तो ये 6 झबले और 6 इनकी नैपीज मुझे यहाँ पे रिसीव हुए हैं। इसके साथ ही इसी सेट में मुझे रिसीव हुए थे कुछ स्लीवलेस वाले जो झबले हैं, वो स्लीवलेस वाले झबले इस तरह से मुझे रिसीव हुए थे। ये इस तरह से ये पैक है, इसमें मुझे इसमें मुझे 8 पीसेस ऑफ क्लॉथिंग रिसीव हुए है। इस वाले पैक में जो स्लीवलेस वाला है उसमें मुझे 8 पीसेस ऑफ क्लॉथिंग रिसीव हुए है। तो ये इस तरह से बहुत ही क्यूट प्रिंट में है, और नर्सरी प्रिंट इसे कहा जाता है, और बहुत ही अच्छे कलर में है। तो ये इस तरह से मुझे 8 पीस ऑफ क्लॉथिंग इसमें रिसीव हुई है, और ये बहुत ही अच्छे कॉटन मटेरियल में है। तो इस तरह से, और साथ ही इसके साथ ही मुझे इनकी मैचिंग नैपीज भी मिली है। तो इसके साथ भी मुझे मैचिंग नैपीज ये
जो है मुझे इसकी मैचिंग नैपीज भी मुझे इसमें रिसीव हुई हैं, तो ये 8 मुझे नैपीज भी इसमें रिसीव हुई हैं। तो ये मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, ये सभी अलग अलग पैक होकर आए हैं, तो इसका सेट मुझे लगाना पड़ेगा। मतलब ये जिस तरह से देखिए, इस तरह से ये जैसे ये बेबी का झबला है, तो उसकी ये मैचिंग नैपीज, इस तरह से 8 मुझे ये स्लीवलेस वाली झबले रिसीव हुए हैं और 8 मुझे ये नैपीज रिसीव हुए हैं। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट जो वेबसाइट में मुझे दिखाया गया था कि मुझे 6 पीस ऑफ क्लॉथिंग जो है हाफ स्लीव्स वाले बेबी के क्लॉथिंग रिसीव होगी, बट ये भी फुल स्लीव्स वाली हैं। तो इट्स ओके, क्योंकि मेरी ड्यू डेट वैसे भी अक्टूबर में है, तो उस समय ठंडी हो जाती है शुरू, तो अच्छा है अगर फुल स्लीव्स के कपड़े हैं तो बेबी को आराम से आ जाएंगे। और ये वाले पीस जो है मुझे बहुत ज़्यादा छोटे से, बहुत छोटे छोटे से लग रहे हैं, तो बहुत ही क्यूट छोटे छोटे से ये हैं। तो इस तरह के जो हैं ये मुझे 6 पीसेस रिसीव हुए हैं, इसमें मुझे 6 पीस ऑफ झबला रिसीव हुआ है और 6 पीस ऑफ ये नैपीज मुझे रिसीव हुए हैं। इसमें ये इस तरह से मुझे नैपीज रिसीव, ये नैपीज मुझे 6 पीस रिसीव हुए हैं, और इसी के साथ में इनके मैचिंग जो है वो कैप मुझे 6 रिसीव हुए हैं। तो ये इस तरह से एक पूरा सेट हो जाएगा, ये एक झबला और नैपी और ये उसका कैप। तो इस तरह से इन्होंने सेट दिए हैं, तो ये 6 पीस इस तरह से मुझे रिसीव हुए हैं। तो इन टोटल मेरे पास 20 जो है वो सेट ऑफ क्लोथिंग, 20 सेट ऑफ क्लोथिंग मेरे पास हो गए हैं। तो ये 20 सेट ऑफ क्लोथिंग मुझे इस कॉम्बो में रिसीव हुए हैं। इसी के अलावा इसी कॉम्बो में मुझे रिसीव हुए हैं स्वेडल रैप, ये स्वेडल रैप मुझे रिसीव हुए हैं, स्वेडल ब्लैंकेट भी कह सकते हैं आप इनको, बट ये वॉर्म नहीं है, मीन्स ये गर्म वाले जो ब्लैंकेट होते हैं वो नहीं है, बट ये स्वेडलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं बेबी को। ये इस तरह से कॉटन के स्वेडलर्स हैं और इनकी प्रिंट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये इस तरह से मुझे 3 स्वेडल रैप जो है वो रिसीव हुए हैं। तो देखिए बहुत अच्छे हैं, इनके प्रिंट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह से मुझे पिंक है, एक ऑरेंज सा है, एक थोड़ा सा ग्रीन से शेड में है। तो इस तरह से ये स्वेडलिंग के लिए बहुत अच्छे कॉटन के पीस हैं। तो देखिए इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, इस तरह से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये है, और इसमें यहाँ पे इस तरह से कैप तरह का बना हुआ है, तो ये कैप में बेबी का हेड आ जाएगा और इस तरह से बेबी को स्वेडल करके रख सकते हैं। तो कई जगहों पे बेबी को स्वेडल करके रखा जाता है, स्वेडलिंग करके दिया जाता है, तो जिससे बच्चों को अच्छी नींद आ जाती है ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए ये स्वेडलिंग के जो स्वेडल रैप है मुझे इसमें रिसीव हुआ है। तो ये 3 स्वेडलिंग के रैप मुझे स्वेडलर्स जो है ये मुझे इस कॉम्बो में रिसीव हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मुझे ये बेबी की बेडिंग जो है आप कह सकते हैं बेडिंग सेट आप इसे कह सकते हैं, तो ये 4 सेट ऑफ बेडिंग सेट मुझे रिसीव हुआ है। तो ये इस तरह से है, तो मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। तो मुझे ये 4 रिसीव हुए हैं, ये 4 मुझे इस तरह से रिसीव हुआ है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इस साइज़ का है, मतलब बहुत ही छोटे न्यूबॉर्न बेबी को कैरी करने के लिए ये अच्छा रहेगा। तो एक तरफ से ये अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है और दूसरी तरफ से थोड़ा सा ये पॉलीथीन वाला मटेरियल है, जिससे कि अगर बेबी पी करता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी बेडिंग के ऊपर। तो ये इस तरह से यूज़ करने के लिए है, तो ये बेडिंग प्रोटेक्टर आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ये 4 बेडिंग प्रोटेक्टर, बेड प्रोटेक्टर मिले हैं। तो ये 4 पीस ऑफ बेडिंग मुझे इसमें बेबी की बेडिंग मिली है। तो इसमें एक मुझे ये पिंक कलर रिसीव हुआ है, दूसरा ये येलो कलर है, और ये पिंक कलर में है और ये ग्रीन कलर में है। तो सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मतलब काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और ये एक जो मैं आपको कॉम्बो बता रही थी, उस कॉम्बो में मुझे इतनी चीज़ें रिसीव हुई हैं, तो मुझे ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, बेबी के पिलो भी मुझे इसमें रिसीव हुए हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। इस तरह से 2 पिलो, बेबी पिलो जो है मुझे इसमें रिसीव हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये
इस तरह से बेबी पिलो मुझे मिले हैं, पर न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं, पर इट्स ओके। इस प्रकार से ये जो दो हैं, ये दो पिलो मुझे इस कॉम्बो में रिसीव हुए, तो मुझे ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक ही कॉम्बो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको अलग अलग से परेशान नहीं होना पड़ता हर चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो फर्स्ट जो था मेरा बाय, फर्स्ट बाय ये था, ये कॉम्बो मैंने ख़रीदा है। इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो सेकेंड कॉम्बो मैंने ख़रीदा है वो भी एक बेडिंग सेट है, और ये इस तरह से आया हुआ है। तो ये एक बेडिंग है, और साथ में इसमें मॉस्किटो नेट भी है, बिकॉज मुझे तो मॉस्किटो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और मैं तो बिना मतलब कॉइल वगैरह के सो ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने बेबी के लिए इस तरह से रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा मैंने ये बुलवा ही लिया। तो ये जो है इस तरह से जो है बेडिंग इसका निकल जाता है, और इसमें भी, इस बेडिंग में भी मुझे एक छोटा सा पिलो रिसीव हुआ है। तो ये इस तरह का बेड, इस तरह का मैट्रेस है, और इसमें इस तरह से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, इस तरह से जो है वो चेन लग जाता है, तो मॉस्किटो नेट ये पूरा कवर हो जाता है। बिकॉज मैंने देखा है जो मॉस्किटो नेट पलंग पे रखने वाली जो मॉस्किटो नेट आते हैं उसमें वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाते हैं, और जो मॉस्किटोज़ हैं वो बेबी के पास चले जाते हैं, तो वो मुझे इतना ठीक नहीं लगा था। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये देखिए इस तरह से जो है ये पूरा मॉस्किटो नेट इस तरह से आ जाएगा, और ये ओपन भी हो जाता है। तो जब ये आपको मॉस्किटो नेट नहीं चाहिए है बेबी के लिए, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, और एज अ बेबी बेड आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ बेबी मैट्रेस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा सी, और इस तरह से जो आपको इसमें पिलो रिसीव हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो हो जाएगा। तो इन सब प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इनकेस अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे कॉम्बो में ये जो है बेबी का स्लीपिंग बैग रिसीव हुआ है, ये इस तरह के कॉम्बो में आया था, ये दो के कॉम्बो में आया था, एक मॉस्किटो नेट और एक ये बेबी स्लीपिंग बैग, तो है इस, मुझे इस कॉम्बो में आया था। तो इस तरह का कॉम्बो मैंने ले लिया है। तो क्या होता है, बेबी को कभी कभी कैरी करने में बहुत ज़्यादा लोगों को आदत नहीं होती है बेबी को कैरी करने की, तो बेबी को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो बेबी का बैट ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें बेबी को रख सकते हैं, अप टू 0 to 3 months के बेबी के लिए ही आ जाएगा, तो इस तरह से बेबी को कैरी किया जा सकता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, और एक तो अगर बेबी विंटर में आ रहा है तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, इसको बेबी अच्छे से कवर करके रख सकता है, और ये जो है वो खुल जाता है पूरी तरह से। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से जो इसका चेन है वो खुल जाती है यहाँ से, और ये इस तरह से खुल जाता है, तो ये पूरा एक बेड, ये देखिए यहाँ से भी खुल जाता है, तो इसको एज अ मैट्रेस भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए ये पूरा खुल जाता है, तो इसे एज अ मैट्रेस भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो बेबी का स्लीपिंग बैग की, स्लीपिंग बैग की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि यदि बेबी को हैंडल करने में अगर प्रॉब्लम हो रही होती है, तो बेबी क्या है कि इसमें बहुत अच्छे से पूरा की पूरा बेबी आ जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको हैंडल करना। तो नेक्स्ट जो चीज़ थी वो मैंने ये बुलवाई है, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या बुलवाया है। तो नेक्स्ट मैंने बुलवाया है एक क्विक ड्राई शीट, तो ये भी मैंने अमेज़ोन से बुलवाई है। तो ये 175 rupees की मुझे एक क्विक ड्राई शीट रिसीव हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉटन का मटेरियल है, कॉटन टाइप का है, जो इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अब मैंने इसे यूज़ करके नहीं देखा है, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि इसका जो साइज़ है, ये मैंने स्मॉल साइज़ में बुलवाया था, बट मैंने इसे चेक नहीं किया था कि क्या साइज़ है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा और बड़ा आएगा, बट इट्स ओके, बेबी के लिए इनफ है ये। और ये एक बेड प्रोटेक्टर की तरह से काम करता है,
तो इसमें क्या होता है कि जो बेबी के बेड के ऊपर अपन इसे बिछा सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि नीचे का जो बेड होता है मैट्रेस, वो ख़राब नहीं होता है। तो ये नेक्स्ट मैंने ये बुलवाया था अपने बेबी के लिए। और नेक्स्ट जो चीज़ मैंने बुलवाई है वो ये है, छोटी सी बूटीज़ हैं। एक्चुअली इससे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद बेबी के शूज़ आएंगे इसके अंदर। 0 to 3 months लिखा था, लेकिन मुझे सॉक्स रिसीव हुए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा कॉस्टली भी लग रहा था। और उसमें लिखा था ऑलरेडी कि रैंडम कलर और रैंडम डिज़ाइन मुझे रिसीव होगा, बट जो ये दो बूटीज़ मुझे रिसीव हुई हैं, ऐसे देखने में तो बहुत क्यूट सी लग रही है, बट ये ब्लैक कलर मुझे एक्चुअली बेबी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रेड कलर या पिंक इस टाइप के कलर में होना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैंने रख लिया है, अच्छा ही लगेगा। ये इस तरह से है। तो ये दो बूटीज़ मैंने मंगवाई हैं अमेज़ॉन से। तो सबके प्राइस जो है मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, ऑल्सो जो परचेस लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस आप अगर देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बुलवाई हैं। और ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि ये स्पून है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का स्पून है। इस तरह से स्पून मैंने ले लिए हैं, मैंने 6 स्पून लिए हैं और 2 इधर उधर कहीं रखे हैं, तो इस तरह से मैंने 6 स्पून ले लिए हैं। तो अगर इन केस कभी बेबी को टॉप फीड देना पड़ा, तो उस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस तरह, क्योंकि बड़े वाले स्पून से फिर बेबी फीड नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बेबी के। तो इस तरह से मैंने स्पून ले लिए हैं। ऑल्सो ये छोटा सा जो ग्लास है वो मैंने ले लिया है। मुझे पता है कि इतनी जल्दी यूज़ नहीं होने वाली है ये चीज़ें, लेकिन इन केस कभी बेबी को टॉप फीड वगैरह देना रहा, तो उस केस के लिए मैंने ले लिया है। और ये छोटा सा बाउल मैंने ले लिया है। आई नो कि ये बहुत छोटा है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया है। तो ये चीज़ें काम भी आ जाएंगी इन केस अगर कभी बेबी को टॉप फीड देना रहा। तो मैंने इसे मेज़र करके रख लिया है कि इसमें कितना ml ऑफ वाटर आता है। जैसे कि ये छोटी वाली कटोरी जो है, इसमें 5 ml वाटर आता है, और ये वाला जो ग्लास है इसमें 10 ml, ये छोटा सा ग्लास है, अंदर से काफ़ी कम स्पेस है इसमें, तो इसमें 10 ml वाटर आता है। इन केस हमें मेज़र करके टॉप फीड देनी रही, तो उस समय हमें नापने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि 5 ml हम किस तरह से मेज़र करें या 10 ml हम किस तरह से मेज़र करें। तो अगर बेबी को टॉप फीड देनी होती है, तो वो 5 ml में 3 teaspoon या इस तरह से ग्राम से बेबी को जो मिल्क फार्मूला वो दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी सी ये कटोरी और चम्मच ये मैंने परचेस कर लिए। वैसे तो बेबी आने के बाद सारी चीज़ें सिल्वर की ही ली जाती हैं, बट अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो ये बस यही था अभी के लिए मेरा शॉपिंग हॉल। अभी वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें और लेनी हैं बेबी के लिए, बट अभी शॉपिंग लिस्ट मेरी बहुत लंबी है, अभी मैं ले नहीं पाई हूँ। जैसे कि मुझे बेबी के लिए मिटन्स लेने हैं, जो छोटे छोटे से हैंड के मिटन्स होते हैं, वो मिटन्स मुझे लेने हैं। बेबी के लिए बिब लेना है और बेबी ब्लैंकेट वगैरह लेनी है। से बहुत लिस्ट बहुत लंबी है, तो अभी मैं कुछ सामान अभी ले नहीं पाई हूँ, कुछ सामान अभी मेरा लिस्ट में बाकी है, तो वो है। ऑल्सो मेरा बेबी जो है वो अक्टूबर में आएगा, तो अक्टूबर में मेरी ड्यू डेट है, तो उस समय के लिए जो स्वेटर्स हैं, तो स्वेटर कुछ तो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं ऑलरेडी, तो वो आ जाएंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, मेरे आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर देखने मिलेंगी। ऑल्सो जो स्वेटर्स हैं वो मेरी मम्मी ने खुद से बना के रखी हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा निटिंग करती हैं, तो पहले वो मशीन से भी कपड़े बनाती थी, मतलब जो बुनाई है वो करती थी, बट अब तो इतना ज़्यादा चलन नहीं है, तो उन्होंने मेरे बेबी के लिए हाथ से ही बुनाई करके जो है स्वेटर्स हैं वो बनाए हैं। तो मेरे पास शायद उनकी फ़ोटोज़ होंगी, तो मैं डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही मेरी जो मदर क्राफ्ट की फ़ाइल थी, अब वो क्राफ्ट की फ़ाइल तो खैर ऑफिस सॉरी कॉलेज में सबमिट हो गई है,
उसके लिए भी मम्मी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे क्लॉथिंग जो है वो सिलकर दिए थे, और ऑल्सो जो बुनाई वाले थे वो सॉक्स वगैरह स्वेटर्स वगैरह वो उसमें बना के दिए थे। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, मेरी मदर क्राफ्ट की फ़ाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट करिएगा। ऑल्सो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यही था अभी तक का मेरा शॉपिंग हॉल, और नेक्स्ट जो भी मैं परचेस करूँगी अपने बेबी के लिए तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।